रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी ख़तरे से घिरे हुए शहर के ऊपर एक रिपोर्ट थ्रेटेंड सिटी ख़तरे से घिरा हुआ शहर और ये शहर है अमेरिका का फेमस सिटी सैन फ्रांसिस्को इस शहर को खतरा ये लाक है कि यहाँ पर भूचाल जंजला, आर्थ क्वैक आने वाला है आर्थ क्वैक दिस स्टोरी इज रिटन बाय डोरिस लेसिंग माइल्ड अटैक ऑफ द लोकस्ट्स। टिड्डियों का हमला फर्स्ट ईयर में आप ये स्टोरी पढ़ चुके हैं डोरिस लेसिंग की नोबल प्राइज़ इन्हें मिला 2007 में फीमेल राइटर हैं ईरान में पैदा हुई लेकिन ब्रिटिश ब्रिटिश नेशनलिटी रखने वाले जोड़े के यहाँ पैदा हुई साइंस फिक्शन लिखती है फेमिनिज्म के ऊपर लिखती है रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंट सिटी में जो करेक्टर्स हैं फर्स्ट एलियंस खलाई मखलूक किसी और प्लानट से आई हुई मखलूक है इस ज़मीन पर ये क्योंकि एडवांस लोग हैं इसीलिए ये अपनी शेप चेंज कर सकते हैं ये अपना आइडिया किसी ह्यूमन के ब्रेन में डाल सकते हैं और उसके जहन में जनरेट होने वाले आइडिया को रिसीव भी कर सकते हैं पॉजिटिव हैं हेल्पिंग क्रीचर है इस ज़मीन पर आई है एक पर्पज़ के साथ क्योंकि इस ज़मीन पर अमेरिकन के इस अमेरिका के इस शहर पर एक मुसीबत आने वाली है इनकी ज़मीन में एक भूचाल पैदा होने वाला है और यहाँ आकर ये लोग बात करते हैं ह्यूमन से उसमें ओल्ड पीपल हैं यंग पीपल हैं और ऐसे लोग हैं जो ड्रग यूज़ करते हैं नशा करते हैं और उन लोगों के रिएक्शंस क्या आते हैं इन एलियंस को जब वो बताते हैं कि आपके शहर को ख़तरा लाक है तो लोग कैसा रिएक्शन देते हैं तो उसके बाद इस रिएक्शन को एक रिपोर्ट की मानद लिखता है एक एलियन एक खलाइक मखलूक में से एक आदमी आपने पी के मूवी शायद देखी होगी तो आपको आइडिया जाता है खलाई मखलूक कैसी हो सकती है एलियंस ह्यूमन्स स्पेस शिप ज़मीन पर आकर उतरी अमेरिका की स्टेट में एक फेमस सिटी है सैन फ्रांसिस्को सोलवा मशहूर शहर है अमेरिका का स्पेसशिप उतरती है लोग बाहर आते हैं और ये एलियंस आके लोगों से मिलते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लोगों को बताते हैं कि तुम्हारे इस शहर में आर्थ क्वैक आने वाला है जंजला आने वाला है अब लोग कैसा रिएक्शन देते हैं इन लोगों को ह्यूमंस ने इन एलियंस को खूब जवाब दिए पहले तो एलियंस ने पहले तो ह्यूमन बीइंग्स ने कहा तुम और तुम्हारी स्पेसशिप ये यह चाइनीज स्पेसशिप है बल्कि चाइनीज वारदात है कोई रशियन साजिश है जिस तरह हमें हर चीज इंडिया की साजिश लगती है इसी तरह अमेरिकन को दरपेश कोई भी उलझन हो वो चाइना रशिया की वारदात लगती है इवन के इलेक्शन भी हार जाए तो वो कहते हैं हाथ पीछे चाइना या रशिया का है वो उनके कम्पिटेटर हैं अब इंडियन ये ना समझ लें कि सिर्फ हमें लगती है इंडिया को भी ऐसा ही लगता है एक ड्रामा में इफ्तार ठाकुर वो एक बदसूरत करैक्टर से कह रहा था जिडा सोना तेरा मुँह है बार्डर को जाके बार्डर पार आला गाला कड़िया कर जवाब में वो करैक्टर कहता है अच्छा ही इज हैप्पी कि मैं इंडियन को जाके गालियाँ दूंगा वो फिर कहता है बार्डर पार जाके बॉर्डर देख लो के बॉर्डर पार आलू गाल कड़िया कर वो खुश होता है तो फिर इफ्तार ठाकुर अगला डलाक कहता है अगो ओ भी कडे इस बात का मतलब हम समझ जाए कि आगे एक अरब आवाम बैठी है वो एक अरब गाली आएगी एलियंस आर्गूमेंट है एलियंस कहते हैं देर विल बी आर स्क्वैक यहां पर आएगा जंजला ह्यूमंस कैसा रिएक्शन देते हैं रिएक्शन सुनिए वी नो ऑलरेडी हम जानते हैं हमें पता है आर स्क्वैक आएगा ज़्यादा से ज़्यादा हम मर जाएंगे फिर क्या हुआ हमें ज़िंदगी की परवाह नहीं ऐसा रिएक्शन आता है एलियंस कहते हैं हेल्प वी विल हेल्प यू हम ट्रांसपोर्ट में हेल्प देंगे हम ह्यूमन बीइंग्स को और उनकी बिलोंगिंग्स को यहाँ से शिफ्ट करेंगे सेफ जगह पर हम मदद करने के लिए आए हैं ह्यूमन बीइंग्स का रिएक्शन नॉट नाउ अभी तो नहीं वी आर बिजी इन कंपटीशन विद अदर कंट्रीज हम दूसरे मुल्कों के साथ मुकाबले के लिए तैयारी कर रहे हैं उसमें मसरूफ़ हैं हमें चाइना रशिया की साजिशों और उनके अटैक्स का आंसर देना है मिलिट्री खड़ी करनी है अगर जंजला आ भी गया तो कुछ ना कुछ लोग तो फिर भी इस मुसीबत से बच ही जाएंगे जिंदगी कॉन्टिन्यू रहेगी एलियंस यू शुड टेक एक्शन जनाब आपको एक्शन लेना चाहिए फौरन इसके ऊपर काम करना चाहिए ह्यूमंस, ठहरो जरा सोचने दो खाली है मेरा जाम मैं कुछ सोच रहा हूं अरे गर्द आयाम मैं कुछ सोच रहा हूँ पहले तो बड़ी रगबत थी तेरे नाम से मुझको अब सुन के तेरा नाम मैं कुछ सोच रहा हूँ कल रात मैं कदे में अजब हादसा हुआ वाइज पी गया शराब मेरे हिसाब में अब मैं एक्शन लूँ के हिसाब करूँ एलियन जी बोलो ज़रा पीने दो सोचने दो कुछ बोलने तो दो फसल गुल है शराब पी लीजिए शर्म कैसी जनाब पी लीजिए जो पिए छुपके वो मुनाफिक है सरे बाजार शराब पी लीजिए आगे चल कर हिसाब होना है इसलिए बेहिसाब पी लीजिए कुछ पीने दो कुछ सोचने दो कुछ बोलने दो कहते हैं तो हम पी के प्रोटेस्ट का एक गीत गा देते हैं इस मुसीबत के खिलाफ दैट वाज़ द रिएक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये बात इतनी सादा नहीं है यह बात काफी बेवकूफी वाली लगती है अगर लगती है तो आप सोचें कि हम तमाम ह्यूमन बीइंग ऐसा रिएक्शन तो नहीं देते किसी भी बड़ी मुसीबत को किसी भी अनदेखी मुसीबत को किसी भी नेचुरल डिज़ास्टर को किसी भी आने वाले ख़तरे को हमारी ज़मीन किसी वक्त भी तबाह हो सकती है कोई ना कोई पलानट स्टार कोई मेटोर इससे आकर टकरा सकता है हम पाश पाश हो जाएंगे ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बात छोटी नहीं है हम ह्यूमन ऐसा ही रिएक्शन देते हैं एलियंस देर इज बाउंडेड थ्रेट टू यू एंड यूर सिटी लोगों तुम्हें और तुम्हारे शहर को ऐसा खतरा लहक है जो होना ही होना है उसको कोई टाल नहीं सकता क्योंकि वो एडवांस लोग हैं उनको पता चल चुका है कि जमीन के अंदर इस हिस्से में भूचाल आना ही आना है सेम लाइक like जिस तरह के साइंटिस्ट जो एडवांस होते हैं बोलते हैं एक ना एक दिन हमारी जमीन के साथ कोई मेटोर कोई ना कोई प्लानट कोई ना कोई चीज जरूर टकरा जाएगी और जमीन पाश पाश हो जाएगी खतरा है हमारी जमीन को उस पर ह्यूमन बीइंग क्या रिएक्शन देते हैं स्टोरी में कहते हैं बीइंग थ्रेटन इज एन इलनेस के खौफ जदा रहना ये तो एक बीमारी है टेंशन में रहना ये तो एक मर्ज है सर इग्नोरेंस को अपनाइए लापरवाही अपनाइए लाफ्टर टेंशन पर कहका दीजिए खौफ को भगाइए ड्रग्स नशा इस्तेमाल कीजिए कुछ नहीं बनता सुसाइड कर लीजिए सत्य खैरा एलियंस, थिंक ह्यूमन थिंक अबाउट अपकमिंग नेचुरल डिजास्टर आने वाला नेचुरल फितरती डिजास्टर उसके बारे में सोचें जमीन के अंदर से लावा निकलने वाला है आने लगा है बिल्डिंग्स गिर जाएंगी जैसे कि जमीन के साथ कोई चीज टकरा जाएगी बड़े पैमाने में अगर सिंबलाइज करेंगे तो ह्यूमन बीइंग का इस बात पर रिएक्शन वी आर थिंकिंग अबाउट वॉर विद अदर ह्यूमन एनिमीज हमारे तो इंसान दुश्मन यहां मौजूद हैं हमने तो उन इंसानों के साथ लड़ाई करनी है क्या दुश्मन से जंग इतनी इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है दुश्मन तो मेरी दुश्मन में तेरा तू नागन में सपेरा इंसान इंसान का दुश्मन बना है जंग तो जनाब बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बड़ी ही इंपॉर्टेंट है हार्डी हलाली याद आ गया है दो सोल्जर हैं बॉर्डर पर आमने सामने हैं दोनों ने अपनी गन्स बिल्कुल तानी हुई है आँख टिकाई हुई है निशाने पर और एक बॉर्डर पर एक शख्स सोच रहा है अगर इसने सामने वाले ने थोड़ी सी भी हरकत की तो मैं ये गोली इसके सीने के पार कर दूँगा इसके दिल को सुराख करती हुई गोली पीछे से निकल जाएगी सामने वाला आंख टिकाए ठहरा सुर्ख आँख उसकी उसके पीछे उसका दिमाग कह रहा है इसने छोटी सी गलती जुम्बिश की तो मैं यहाँ से फायर करूँगा और गोली सीधा इसका माथा चीरती हुई इसके दिमाग को फाड़ती हुई पीछे से इतना बड़ा सुराख कर डालेगी हार्डी कहता है एक पोइम में हार्डी की हार्डी कहते हैं यहीं दो लोग यहीं दो लोग जो बॉर्डर पर ठहरे हैं दुश्मन बॉर्डर पर अगर यहीं दो करैक्टर किसी तीसरे मुल्क में किसी बार में मिले होते तो वाइन पीने के बाद दोनों इस बात पर डटे होते कि तुम्हारे पैसे भी मैं दूंगा और दूसरा कहता नहीं नहीं यार मैं तुम्हारे पैसे दूंगा हमारे मुल्क की पॉलिटिक्स ऐसी है हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं हमारे मुल्क के मसाइल ऐसे हैं वहाँ जंग की हालत रहती है वहाँ पर लोग इख्तलाफी राय रखते हैं लेकिन वो भोले हैं वो बादशाह हैं वो दीवाने हैं वो जज्बाती हैं हम तुम तो समझदार हैं बड़े शहर में हैं एक महकदे में हैं तुम्हारे पैसे मैं दूंगा, ताकि तुम अपने मुल्क में जाओ तो कह सको कि उस मुल्क उस गद्दार मुल्क का जो करैक्टर था वो तो बहुत अच्छा था मेरी नेकनामी करो वहाँ जाकर यानी कि ये सिचुएशन होती है जब आप सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप एक वैन वाले से लड़ने के लिए भी तैयार हैं आप एक तंदूर वाले से लड़ने के लिए भी तैयार हैं आप किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं जब सिचुएशन से सर ऊपर उठाएंगे माइग्रेट करेंगे बड़ा सोचेंगे बड़ी किताबें पढ़ेंगे तो फिर आप ह्यूमंस वाला रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि आपको एलियंस की साइंटिस्ट की बात समझ आएगी स्टोरी में आइए एलियंस कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर सर्वाइवल जनाब सबसे इंपॉर्टेंट है इंसान की जिंदगी सेफ हो इंसान सेफ हो, ह्यूमन बीइंग्स रिएक्शन देते हैं वो कहते हैं पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज जो हमारे हैं उनका अगर सलूशन निकल आए तो फिर ही इंसान की सेफ्टी हो सकती है यानी कि हमारे जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने हमें इन्वॉल्व कर रखा है इन इश्यूज के अंदर ताकि हम किसी और बारे में बड़ा कुछ सोच ही ना सकें यानी ह्यूमन बियंग ये रिएक्शन देते हैं पहले हम अपने जमीनी फर्ज तो अदा कर लें फिर टाइम एंड स्पेस की बात करेंगे फिर नेचुरल डिजास्टर्स की बात करेंगे फिर जो हमें थ्रेट्स हैं उनकी बात करेंगे खोज से पहले फलक की खोज से पहले फलक की फर्ज माटी की अदा कर आसमान की खोज करने तो चला गया नया प्लानट कहाँ है तो पहले जमीन जमीन के मसैल तो हल कर ले ये डॉक्टर तनवीर साहब कह रहे थे कि मुझे अपना शेर सुनाए मैंने अपना शेर सुनाया उन्होंने कहा वाह मैंने कहा वैसे डॉक्टर साहब बताइए कि ये साइंटिस्ट दूसरी पलानट पर ज़िंदगी क्यों तलाश करते रहते हैं उनके पास करने के लिए कोई ज़मीनी काम नहीं है फ़र्ज़ माटी के तो अदा करें उन्होंने कहा इस ज़मीन को ख़तरा है इस ज़मीन पर रहने वाली ज़िंदगी को ख़तरा है पूरी कायनात में वह तो ज़िंदगी है अगर कोई प्लानट इससे आके टकरा गया तो ज़िंदगी पूरी कायनात में से ख़त्म हो जाएगी तो साइंटिस्ट सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग को इस ज़मीन से उठाकर चांद पर प्लांट कर दें मार्स पर प्लांट कर दें किसी और जगह पर प्लांट कर दें ताकि ज़िंदगी बच जाए मैंने कहा वाह 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 क्या बात है इतनी बड़ी सोच कभी सर ऊंचा किया ही नहीं छोड़िए स्टोरी में आए एलियंस कहते हैं लोगों चेंज योरसेल्फ सेल्फ खुद को चेंज करो ह्यूमन बीइंग्स जवाब देते हैं पॉलिटिकली uh, चेंज का क्या मतलब हो सकता है आओ चेंज पर बातचीत करें चेंज के रीज़न तलाश करें हम तब्दील क्यों हूँ बजाय इसके वो फौरन ही चेंज लें अपने अंदर क्योंकि एक डिज़ास्टर आने वाला है तो फौरन ही इनिशिएट लें वो कहते हैं हम सोचते हैं कि चेंज क्यों आना चाहिए एंड एलियंस ने कुछ ह्यूमन बीइंग पकड़े कि इनका बड़ा कॉम्प्लेक्स दिमाग है थॉट प्रोसेस अजीब है इन पर तजर्बा होना चाहिए वो चंद एक ह्यूमन बीइंग पकड़ के स्पेसशिप में बैठे और चले गए और ये पावरफुल ह्यूमन बीइंग पावरफुल ह्यूमन अथॉरिटीज उन्होंने रेडियो पर बताया कि स्पेसशिप चाइना से आई थी ये चाइनीज डिवाइस थी तो जंग के लिए तैयारियां करो कोई ना कोई बड़ी जंग होने वाली है और हमें ये जंग जीतनी है स्टोरी इज एंडेड रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंट सिटी वो शहर जिसे ख़तरा लाक था उस पर एलियंस आए हेल्प के लिए और फिर वो चले गए ये सारी रिपोर्ट डोरिस ने लिखी ऐसा हकीकत में नहीं हुआ लेकिन इस स्टोरी में बहुत कुछ बताया गया है डोरेस लेसिंग डोरेस लेसिंग ये टू मच नशे नहीं थ्री मच नशे हैं एक औरत है ऊपर से नोबल प्राइज याफ्ता तीसरा टॉपिक है रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चंस रेज किए राइट अ नोट ऑन द अलार्मिंग एस्पेक्ट्स ऑफ द रिपोर्ट इन द शॉर्ट स्टोरी रिपोर्ट ऑन द थ्रेटेंड सिटी बाय डोरेसिंग टू थाउजेंड एटीन पी यू अलार्मिंग एस्पेक्ट्स इस ज़मीन पर क्या क्या मसाइल हो सकते हैं और सबसे बड़ा मसला है ह्यूमन रिएक्शन का उस इंसान का क्या करें जो अपनी जंजीरों से मोहब्बत करता हो उसे कैसे आज़ाद करें उसे सोच कैसे आज़ाद करें ये अलार्मिंग एस्पेक्ट्स हैं अगेन क्वेश्चन रेज हुआ 2019 में सोशल एंड पॉलिटिकल स्टायर बताए डोरिस ने डायरेक्ट स्टायर नहीं की डायरेक्ट उसने अलार्मिंग एस्पेक्ट्स नहीं बताए लेकिन सब कुछ कहा है बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है कहने का भुट्टा एकेडमी में हमने क्वेश्चन रेज किया था एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ इज दैट इट इज अन कि लाइफ इज अन फॉर ह्यूमन बीइंग इंसान को जिंदगी की कदर ही नहीं है ये बहुत ही डिफरेंट और बड़ी बात है जिंदगी की कदर करना आंसर देर इज सिंगल आंसर ऑफ ऑल अब क्वेश्चन रिपोर्ट रिपोर्ट क्या लिखी गई एलियन की तरफ से डोरेस की तरफ से इस सारे वाक्य की रिपोर्ट देखिए एलियंस आए और फिर बातचीत करके और हेल्प नहीं कर सके चले गए क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने रिएक्शन ही ऐसा दिया अब रिपोर्ट में ये सारी बात हमने लिखनी है पीपल ऑफ़ दिस प्लैनेट अर्थ आर मोर ईगर टू फाइट विद सिमिलर ह्यूमन बींग्स पहली रिपोर्ट की पहली बात यह है कि यहाँ पर रहने वाले इंसान दूसरे अपने जैसे इंसानों से लड़ने के लिए बहुत जोश रखते हैं ईगर हैं टू अरेक्ट military और वो तैयार हैं वो जोश रखते हैं कि वो बड़ी बड़ी मिलिट्री बड़ी बड़ी फ़ौज वाइज फ़ौज सिक्योर फ़ौज ताक़तवर फ़ौज खड़ी कर लें टू फाइट अ वर्ल्ड वॉर ये लोग इस चीज़ का जोश रखते हैं कि वो एक आलमी जंग लड़ें टू अन डू अन अदर कंट्री ये अमेरिका ये शौक जोश रखता है कि वो चाइना को दुनिया से मिटा दे रशिया को मिटा दे हर मुल्क दूसरे मुल्क को किसी न किसी मुल्क को मिटाना चाहता है टू और फॉर द वर्ल्ड और ये लोग यहाँ के रहने वाले लोग ये पूरी दुनिया पर गलबा कब्जा हासिल करना चाहते हैं एंड टू द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन और ये जोश रखते हैं अपने आप को तबाह करने का ह्यूमन बीइंग सारे ह्यूमन लिव टू डाई और ये लोग ज़िंदा रहते हैं मरने के लिए वो कहते हैं ज़िंदगी तो मिली ही इसलिए है कि ये आखिर में ख़त्म हो जाए हम मौत को साथ लिए फिरते हैं लाइफ छोटे स्पेक्ट्रम में इम्पॉर्टेंट है यानी कि हर शख्स कहता है मैं मरू ना मैं जियू मेरी जिंदगी अच्छी हो जिंदगी की अहमियत है जिस तरह छोटे पैमाने पर है इसी तरह बड़े पैमाने पर भी जिंदगी की अहमियत होगी क्या कि ये जिंदगी इस सिर्फ जमीन पर है इस प्लानट पर है इसे किसी और प्लानट पर होना चाहिए इसको सर्वाइव करना चाहिए हमारे बच्चों के बच्चों के बच्चे हमारी ज़िंदगी किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहे इस पूरी कायनात के स्पेक्ट्रम में ये बड़ा पैमाना है अरे हम तो खुद से भी मोहब्बत नहीं करते हमने फ़लसफा ही ऐसा अडाप्ट किया है कि आखिर मर जाना है ख़त्म हो जाना है मर जाना है लेकिन आपको होप राइटर चाहती है कि हम ऐसी होप रखें कि हमने जैसे नहीं मरना यह जिंदगी को किसी न किसी शक्ल में कैम रखना है जिंदगी को मैक्सिमम बचाना है द एटीट्यूड टू लाइफ इज दैट इट इज़ अन ज़िंदगी के बारे में इंसानों का रवैया है कि ज़िंदगी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं क्योंकि मौत ने आना ही आना है मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप दोबारा ऑस्टर एंड पर्ल इंटरमीडिएट में फ़र्स्ट पार्ट में आपका ऑस्टर एंड पर्ल एक प्ले था उसे पढ़ें बल्कि टीचर ने शायद आपको बताए कोई बहुत ही मेहनत करने वाला हो तो वो बताए उसमें क्या है बैरल मैं उस स्टोरी में नहीं जाऊंगा वो आप यूट्यूब में देख लेंगे कहीं ना कहीं मैंने उसे बताया है बल्कि बताया है ऑस्टर एंड पॉल बाय के बुटा लाइक दिस नेक्स्ट पैरा दे आर ईगर टू एक्सेप्ट द फेलियर रेडली और तमाम ह्यूमन बीइंग का ये वतीरा है ये शेवा है ये कमाल है कि वो डिफीट को शिकस्त को फौरन ही तस्लीम कर लेता है इंसान शिकस्त फौरन तस्लीम कर लेता है ये इंसान का वतीरा है जागा जो मेरी जात में एक जाजात का जंगल जागा जो मेरी ज़ात में एक ज़ात का जंगल पल भर में उजाड़ा मेरी औकात का जंगल बैठा हूँ तेरे एक इशारे के सहारे रास्ता ही नहीं देता तेरी बात का जंगल मैं चांद मुसाफिर की तरह क़ैद था इसमें बहुत दूर तलक फैला था ये रात का जंगल हारे हुए लश्कर को कभी रह नहीं देता हारे हुए लश्कर को कभी रह नहीं देता इस तौर घना होता है ये मात का जंगल मात का जंगल बहुत घना होता है आपको रास्ता नहीं देता तो फेलियर डिफीट को इंसान को फौरन एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए डोरेस ये बताना चाहती है वाजे करना चाहती है दो टोक कह रही है टू लूज कंट्रोल इंसान ईगर है जोश रखता है कि वो कंट्रोल लूज कर दे वो चीज अगर हासिल करता है तो उसे मेंटेन नहीं करता जिंदगी मिली है तो वो उसको मैक्सिमम मेंटेन करने की कोशिश नहीं करता एम अचीव करता है तो लूज कर देता है उसे तो वो कहते हैं इंसान पूरी तरह कंट्रोल नहीं रखता सही से सही से कंट्रोल नहीं रखता इसकी एग्जांपल उसने कैसे दी उसने कहा जो अमेरिकन अथॉरिटीज थी उन्होंने रेडियो पर कहा सुनो लोगों यहाँ पर एक स्पेस शिप आई है जो कि चाइना की वारदात है और हमें उसकी उसके साथ जंग के लिए तैयारी करनी है लाइक दिस तो ये उनको पता ही नहीं चला कि ये स्पेस शिप किसी और प्लैनेट से आई है ज़्यादा वाइज लाइफ हमारे पास आई थी ज़्यादा एडवांस लोग आए थे जो बता रहे थे कि यहाँ पर आर्थ -क्वेक आने वाला है वी कैन हेल्प यू तो ह्यूमन बीइंग का ओवरऑल कंट्रोल नहीं है उसे कंट्रोल बनाना चाहिए किस पर मामलात पर डिजास्टर पर थ्रेट्स पर सबसे अहम है थ्रेट कि जिंदगी को इस प्लांट को थ्रेट है एंड टू बिकम अननोटिसिंग स्पीशीज और ये ह्यूमन बीइंग लापरवाही करने वाली मखलूक है नेक्स्ट पैरा दे आर ईगर टू थिंक ह्यूमन बीइंग महदूद सोचता है आप खुद को गौर से देखें सोचें क्या आप अपने घर अपने महल और अपनी चंद बुक्स तक नहीं सोचते मुझे कमेंट करके बताए कौन कौन रोजाना स्टार्स देखता है और उसके बारे में सोचता है आपका टीचर डेली फिफ्टीन मिनट स्टार जरूर देखता है और सोचता है ये मखलूक ह्यूमन बीइंग है टू थिंक अबाउट द रीजन ऑफ चेंजेस ये तब्दीली की वजूहत क्या हो सकती हैं इसको डिस्कस करता है इंस्टेड ऑफ चेंजिंग दैम सेल्स वो ख़ुद को चेंज नहीं करता वो वहाँ से जहाँ आर्थ को एक आने वाला है वहाँ से सेफ़ जगह पर नहीं जाता बल्कि इस बात पर बहस मुबैसा करता है कि हमें क्यों शिफ्ट होना चाहिए कब होना चाहिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है जो हमें करनी है एंड देख मैटर वेल इन स्टेड ऑफ़ इमिजिएट एक्शन फ़ौरन ही एक्शन नहीं लेता खतरे से बाहर आने की कोशिश करने के लिए कोई अमल नहीं करता बल्कि उसको वेल तरीके से डिस्कस करता है बातें जितनी मर्जी करा लो अमल का ना कहो एक मशहूर कॉल है कि इस्लाम आया अरब में वजात हुई और लिखा गया टर्की में और इसको समझा गया सब कॉन्टिनेंट में मैं कहता हूं समझा जाता तो हम 90 परसेंट लोग करप्ट ना होते सब कॉन्टिनेंट के भाई आप कहें सब कॉन्टिनेंट में इस पर बहस मुहसा रज के हुआ जैसे काले और चिट्टे की समझ आ जाए तो वो सर पाओ चिट्टा पहनेगा ना काला पहनकर नहीं कहेगा जनाब चिट्टा चिट्टा होता है नूरानी होता है कमाल होता है टेंशन टेंशन ना लें छोड़ें छोड़ें सर टेंशन तो हम ह्यूमन बीइंग हम ह्यूमन बीइंग भगाना खूब जानते हैं अगला ह्यूमन रिएक्शन भी यही है दे टेक ड्रग एंड मेक लाफ्टर वो नशा लेते हैं और फिर वो लाफिंग योगा करते हैं टू अवॉइड टेंशन ताकि टेंशन को भगाएं, फिर कोई थ्रेट कोई खौफ लाक है तो उसको भगाएं। प्रॉब्लम्स वो मसाइल को मसाइल से अवॉइड करते हैं कहके लगा कर नशा लेकर मसाइल को हल नहीं करते टू फोकस ऑन अर्थ लिंग्स इंस्टेड ऑफ़ अराइवल ऑफ़ इंटेलिजेंट लाइफ ज़मीन से जुड़ी हुई नीचे की चीज़ों के अंदर वो फोकस किए रहते हैं वो इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में नहीं सोचते वो इस ज़मीन से ऊपर की ज़िंदगी के बारे में कायनाती रोशनी के बारे में नहीं सोचते या किसी और वर्ल्ड के बारे में नहीं सोचते किसी प्लांट पर ज़िंदगी को बसाने के बारे में नहीं सोचते एंड टू एंड टू देयर ओन सफरिंग और वो अपने ही सफरिंग से मसैब से मुसीबतों से लापरवाह रहने का जोश रखते हैं शौक़ रखते हैं ये ह्यूमन एटीट्यूड है ये इंसानी रवैया है जो डोरस बता रही है दे कंसिडर इट एन इलनेस ह्यूमन बींग कंसिडर करते हैं कि ये एक बीमारी है और अथॉरटी मेंटल कंडीशन या ये दिमाग का एरर है क्या टू बी अवेयर ऑफ वॉट थ्रेटन की आप इस चीज की इस चीज़ की अवेयरनेस रखें कि कौन से खतरे हमें और हमारी ज़मीन को लाक हैं अगर कोई आदमी ये सोचता है कि हाय ज़मीन तबाही ना हो जाए तबाही ना हो जाए अगर कोई ऐसा बार बार सोचता है तो वो ज़हनी तौर पर बीमार है और अगर टू ट्राई टू टेक स्टेप्स टू सॉफ्टन इट अगर कोई शख्स ज़मीन को और ज़मीन पर बसने वाले लोगों की सेफ्टी के लिए कोई स्टेप लेगा तो लोग उसे पागल कहेंगे जैसे कि मैंने डॉक्टर तनवीर से कहा साइंटिस्ट क्या पागल हैं ये जो दूसरे प्लानट पर जिंदगी को कैम करने के बारे में सोचते रहते हैं मैंने ऐसा कहा मुझे लगता था कि वो पागल है मैंने इसीलिए कहा था खोज से पहले फलक की फर्ज माटी की अदा कर याद रखें मेरी बुक का नाम है पोएट्री की एक बुक है उसका नाम है सूरज पे कहका जन हूं और अपनी बुक के एंड पर मैं अपनी ही बुक का राइटिंग का बहुत बड़ा क्रिटिक हूं मैंने अपना कुछ नहीं छोड़ा वैसे एक बात कहूं इसी से जुड़ी हुई बात है अपने आप को मुसलसल मोतबर जानना हर वक्त मोतबर रखना एक मुसलसल आजाब है इस हसार की कैद से आज़ाद हो जाए मोतबर तो नहीं रहेंगे कादावर जरूर हो जाएंगे थैंक यू वेरी मच दिस इज यस्ट एम के भुट्टा.